फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने फिर से एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? MMR 1961 MCQ वीडियो पार्ट टू। आप सभी को पता है, हमने पार्ट वन को अपलोड कर चुका है। आज हमने पार्ट टू वीडियो लेकर आ रहे हैं और इसके आगे भी और लेके जाएंगे, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव करके और आगे बढ़े। नोटिस ऑफ रीअपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर ई, ये क्या कह रहा है? अपॉन कास्ट माइंस, ठीक है, आपका किसी भी कारण के वजह से वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए अगर बंद हो जाता है तब उसको जो फिर रीओपन के लिए किया जाएगा, ठीक है, जो उसको सोचेंगे कि उसको फिर से इस माइंस को चलाया जाएगा, तब इस क्षेत्र में कितने नंबर रेगुलेशन पे वर्णित की गया है, एक क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग रेगुलेशन नंबर इन, जो माइंस को रीओपन करने के लिए जो रेगुलेशन में बताया गया है वो कौन सा नंबर रेगुलेशन में बताया गया है, ये पूछ रहा है। आंसर ऑप्शन डी, जो कि रेगुलेशन नंबर 7 पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को खाली समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से अभी हम समझते हैं। इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन आफ्टर अवेंट ऑफ और आफ्टर डिसकंटिन्यूअस फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 4 months, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल नॉट लेस देन -- बिफोर रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। ये क्या बोल रहा है? जब कोई भी माइंस का ऑनर, ठीक है, ये एक आपका मान लीजिए एक माइंस है, ठीक है, ये एक माइंस है, इस माइंस को अगर कोई भी ओनर चाहता है कि इसको हम अभी फिलहाल के लिए बंद करेंगे, ठीक है, मान लीजिए बंद हो जाता है, फिर कितना दिन तक, अगर मान लीजिए 4 months से भी ज़्यादा दिन तक बंद हो जाता है, तब उसको जब रीओपन करने के लिए चालू करेंगे, ठीक है, जब चालू करेंगे तो क्या करना होगा, तब ऑनर एजेंट और मैनेजर नोटिस देंगे। ये जो नोटिस देंगे, जो कार्य आरंभ होने से पहले जो नोटिस देंगे इस माइंस को फिर से चलाने के लिए, कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब कोई माइंस बंद पड़ा था, यानी 4 months से ज़्यादा अगर बंद रहता है, तो फिर उसको ऑनर एजेंट मैनेजर चाहेंगे कि इस माइंस को हम फिर से चालू करेंगे, तब इस क्षेत्र में कार्य आरंभ होने से पहले कितने दिन पहले ऑनर एजेंट मैनेजर नोटिस देंगे, कितने दिन पहले, आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, व्हेन इट इज इंटेंड टू रीओपन ए माइन आफ्टर डिसकंटिन्यूअस ऑफ ए पीरियड एक्सटेंडिंग 4 months, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल नॉट लेस देन 30 days बिफोर रीजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन गिव टू द नोटिस। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ये माइंस आपका बंद था, उसके लिए रीओपन आपने कर रहे हैं कि इस माइंस को फिर चलाया जाएगा, तब इस क्षेत्र में ऑनर एजेंट और मैनेजर जो होते हैं, जो नोटिस देते हैं 30 दिन पहले जो नोटिस देते हैं, ये नोटिस किस किस को देंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आंसर भी देख लेते हैं, जो कि आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन आफ्टर डिसकंटिन्यूअस फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 4 months, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल नॉट लेस देन 30 days बिफोर द रीजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन गिव द चीफ इंस्पेक्टर द रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिस इन 4 days। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब कोई माइंस को, ठीक है,
ये माइंस को जब रीओपन किया जाता है तब उस क्षेत्र में जो नोटिस दिया जाता है, किसको नोटिस देते हैं, जो कि ओनर, एजेंट और मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देते हैं। ये जो नोटिस देते हैं कितने दिन पहले देते हैं, 30 डेज पहले नोटिस देते हैं। ये जो नोटिस देते हैं कौन सा फॉर्म में वो देंगे, ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, जो कि फॉर्म आई में लिख के देना होगा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चंस, क्वेश्चन में थोड़ा सा खाली चेंजेस किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आपका जो माइंस था, इस माइंस क्लोज था, ठीक है, ये माइंस जो क्लोज था उस माइंस को आपने रीओपन जब कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या कर रहे हैं कि वो एक नोटिस दे रहे हैं, कितना दिन पहले, 30 डेज पहले नोटिस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। ये जो दे रहे हैं कितने, वो किस फॉर्म में देते हैं, फॉर्म आई में देते हैं। तो ये जो कौन सा शेड्यूल के तहत में वो आता है, कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में वो आता है, ये जो सारे क्राइटेरिया जो होता है कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में आता है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, जो कि फास्ट शेड्यूल के अंतर्गत में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, चेंज ऑफ ऑनरशिप एंड एड्रेस ईटीसी रेगुलेशन नंबर इन डैश, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब कोई माइंस, ठीक है, ये एक माइंस था, ये माइंस का नाम था, ठीक है, इस माइंस का नाम देते हैं, इस माइंस का नाम देते हैं रूंगटा, रूंगटा आयरन और माइंस, इस माइंस का यही था। लेकिन आप सभी को पता है जो कि 2020 में जैसे कि लीज एक्शन हुआ, लीज एक्शन होने के बाद इसको मिल गया, मान लीजिए टाटा स्टील को, ठीक है, तो इस माइंस का नाम दे देते हैं, कुछ भी एक नाम दे देते हैं, ठीक है, टाटा स्टील, आयरन और माइंस, ठीक है। ये जो चेंजेस होता है, ओनरशिप का नाम जब चेंज होता है, एड्रेस जब चेंज होता है, ये रेगुलेशन उस टाइम क्या करना पड़ता है, वो रेगुलेशन नंबर कितने पे बनित किया गया है, यही पूछ रहा है। जब कोई माइंस का ऑनर, उसका एड्रेस जब चेंज हो जाता है तब उस रेगुलेशन में बताया गया है, कौन सा नंबर रेगुलेशन पर बताया गया है, यही पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि रेगुलेशन नंबर 8 में वर्णित की गए है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो ने चेंज अकर इन द माइन इन द नेम ऑफ ओनरशिप ऑफ ए माइन और इन द एड्रेस ऑफ द ओनर द एजेंट और मैनेजर सेल विद इन डैश डैश फॉर्म द डेट ऑफ चेंजेस। ये क्या बोल रहा है, ये जब कोई एक माइंस था, ठीक है, ये माइंस है, इस माइंस का जो भी नाम था, उस माइंस का जब ओनर हो, एजेंट हो, मैनेजर हो, जब कोई भी जो चेंज होता है, ठीक है, उस माइंस का जब चेंज हो जाता है तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी, जो कि 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा। जब किसी माइंस का ओनर चेंज हो जाता है, एजेंट चेंज होता है, मैनेजर जब चेंज हो जाता है तब इस क्षेत्र में क्या करना होगा, 7 डेज के भीतर आपको रिपोर्ट देना होगा। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा, किसको रिपोर्ट देना होता है, कौन सा फॉर्म में देना पड़ता है, कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में आता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, व्हेन ए चेंज अकर्स इन द नेम ऑफ ओनरशिप ऑफ ए माइन और द एड्रेस द ओनर ओनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज गिव टू द डैश। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब
किसी भी माइंस का जब आपका ओनर का नाम चेंज हो जाता है, एजेंट का नाम चेंज होता है, मैनेजर जब चेंजेस होता है, तब उस क्षेत्र में ये जो 7 डेज के भीतर आपको नोटिस देना पड़ता है। किस किस को देना पड़ता है? तो आंसर क्या है इस क्षेत्र में जो आपको देना होगा, चीफ इंस्पेक्टर को देना है और रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन ए एंड बी सही है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको सब रेगुलेशन में मिल जाएगी। रेगुलेशन कितने से आ रहा है? रेगुलेशन नंबर 8 से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे हम बताए थे कि जब किसी माइंस का ओनरशिप जब चेंज होता है, एजेंट जब चेंज होते हैं, मैनेजर जब चेंज होते हैं, तो उस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर किसको बताना पड़ता है? चीफ इंस्पेक्टर बताते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को बताते हैं। वो जो नोटिस देते हैं कौन सा फॉर्म में देते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए फॉर्म आई में आपको लिख के देना होगा। अभी वही सेम क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल में दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? जब किसी माइंस का ओनर, एजेंट और मैनेजर का चेंजेस होता है, तब उस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर आपको नोटिस देना होता है। जो नोटिस देंगे किसको देते हैं? चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर अपने देते हैं। ये जब कौन सा फॉर्म में देते हैं? फॉर्म आई में अपने देते हैं। तब जो ये जो फॉर्म आई में कौन सा शेड्यूल के तहत में देते हैं? शेड्यूल जो है क्वेश्चन से पूछ रहे कौन सा शेड्यूल के तहत में देते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में ये आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन एनी माइन, नोटिस विल हैव टू बी गिवन टू द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर विद इन 7 डेज। ये क्या बोल रहा है? जब किसी माइंस में, ठीक है, जब किसी माइंस का क्या हो रहा था, जब ओनर चेंज होता था, एजेंट चेंज होता था, मैनेजर चेंज होता था, तब उस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर इन्फॉर्म करना करते थे। लेकिन और किस किस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑफ एनी पार्टनर इन द केस ऑफ ए फर्म। ये क्या बोल रहा है कि एक माइंस को कुछ पार्टनर मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, एक माइंस को कुछ पार्टनर्स मिलकर जब चला रहे हैं, तो उस क्षेत्र में उस माइंस का कोई पार्टनर जब छोड़ देता है, तो उस केस में भी 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑफ एनी मेंबर इन द केस ऑफ एन असोसिएशन। ये बोल रहा है कि उस संगठन का कोई भी सदस्य का जब कुछ चेंजेस होता है, कुछ बदलाव आता है, तब उस क्षेत्र में भी 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ऑफ एनी डायरेक्टर इन द केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। जो कि पीएसयू सेक्टर होता है, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर में जो आता है, जैसे कि सेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, नालको हो गया, जितने सारे भी पब्लिक सेक्टर आते हैं, उस पब्लिक सेक्टर में कोई जब कोई डायरेक्टर का चेंजेस होता है, तब उस क्षेत्र में क्या होता है, तब उस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा। किसको करना होगा? चीफ इंस्पेक्टर और जनरल इंस्पेक्टर आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ऑफ एनी शेयर होल्डर इन केस ऑफ जो प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं, उसका जो भागीदार होते हैं, उनमें से अगर कुछ चेंजेस होता है, तब उस क्षेत्र में भी 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका सबके सब होगा। तो आंसर भी देख लेते हैं, आंसर क्या कह रहा है, ए बी सी डी ये सबके सब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जब किसी माइंस में जब ओनर एजेंट मैनेजर का जब चेंजेस होने पर 7 डेज के भीतर इन्फॉर्म किया जाता है, तब उस तरह और किस किस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर उसको इन्फॉर्म किया जाता है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
When any agent, manager, assistant manager, server, or engineer is appointed or terminated or someone leaves the job, then within how many days it has to be reported? ये क्या बोल रहा है? जब किसी माइंस का, ठीक है, जब किसी माइंस का एजेंट हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सर्वेयर हो और इंजीनियर हो, जब उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसको टर्मिनेटेड किया जाता है, यानी खुद वो अपना जॉब छोड़ के जाते हैं, तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर इन्फॉर्म करना होगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जब किसी माइंस में एजेंट हो गया, मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सर्वेयर हो गया, इंजीनियर हो गया, उनका जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, यानी वो जब खुद जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं, तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर आपको इन्फॉर्म करनी होगी। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी, जो कि 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन एनी एजेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सर्वर इंजीनियर इज अपॉइंटेड और टर्मिनेटेड समवन लीव्स द जॉब देन विद इन हाउ मेनी डेज इट हैज टू बी रिपोर्ट इन डैशबोर्ड। जब किसी माइंस का मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया जाता है यानी उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, यानी खुद जॉब छोड़ के जाते हैं, तब उस क्षेत्र में जो आपको 7 डेज के भीतर आपको रिपोर्ट देना पड़ता है, कौन सा फॉर्म देना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है फॉर्म में देना होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा था कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा शेड्यूल में दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में दिया जाएगा। तो टॉपिक क्या था? जब किसी माइंस का ऑन एजेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर इंजीनियर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी टर्मिनेट किया जाता है, यानी खुद जॉब को छोड़ के जाते हैं, तब इस क्षेत्र में 7 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है फॉर्म आई में, और कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में दिया जाएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में उनको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, When an accident occurs in mines, within how many hours it have to be reported? ये अपन कष्ट का खदान है, इस माइंस में किसी भी कारण की वजह से एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, जब आपका माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने घंटे के भीतर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि 24 आवर के भीतर आपको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, When an accident occurs in mines, how much information must be given within 24 hours? जब आपका माइंस में कुछ भी जब एक्सीडेंट हो जाता है, तब उस क्षेत्र में आपको कितने घंटे, 24 घंटे के भीतर इन्फॉर्म करना पड़ता है, किस किस को आपको इन्फॉर्म करना होगा, वो पर्सन कौन कौन है जो आपको इन्फॉर्म करना होगा, इसका आंसर क्या कह रहा है, देखिए, पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को भी करना चाहिए, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर को भी करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ऑल द अबव होगा, ये सब के सब होगा, तो आंसर भी देख लेते हैं, आंसर जो है ऑप्शन डी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जब ओपन कास्ट माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है तब आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को आप देते हैं 24 आवर के भीतर, तो कौन सा फॉर्म में देते हैं, ठीक है, अभी फॉर्म का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, जो कि फॉर्म आई भी में आपको नोटिस देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, उस प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा,
आई बोल रहे कौन सा शेड्यूल के तहत में वो दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन ए होगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपको दिया जाएगा। जब कोई माइंस किसी भी माइंस में किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है 24 घंटे के भीतर, तो कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में दिया जाएगा, वो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज विल ए कॉपी ऑफ द एक्सीडेंट वी कीप इन द नोटिस बोर्ड। ठीक है, जब आपका माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद उसका जो नोटिस आप देते हैं, उस नोटिस का जो कॉपी रहता है वो नोटिस बोर्ड में जो आप देते हैं वो कितने दिन के लिए वहां पर रखा जाता है। टेन डेज रखा जाता है, 12 डेज रखा जाता है, 14 डेज या 16 डेज, आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी सही है। तो इसके आंसर भी देख लेते हैं, तो आंसर सी जो है सही है कि जब किसी भी माइंस में जब एक्सीडेंट हो जाता है उसका जो एक कॉपी रहता है, जो कॉपी नोटिस बोर्ड में उसको चिपकाया जाएगा यानी रखा जाएगा वहां पर 14 डेज तक रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थी इलेक्ट्रिक का, कुछ इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक जनरेशन जो कि बिजली उत्पादन जो होता है उसका, बिजली का उत्पादन का कार्य क्षेत्र में हो, उसको स्टोरेज का क्षेत्र में है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र में, कुछ संचालन का क्षेत्र में, कुछ सप्लाई के कार्य क्षेत्र में, अगर उसमें कुछ जीवन हानि हो जाता है तब उस क्षेत्र में अनर्जन मैनेजर किसको किसको नोटिस देंगे, यही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन ए व्हेन एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजरी अकर्स इन अबाउट ए माइन इन कंसर्न कनेक्शन विद इन द जनरेशन ऑफ स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमिशन सप्लाई यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल ऑल्सो फॉर विद इन्फॉर्म द डैश। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी एक ओपन कास्ट माइंस में जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है, इलेक्ट्रिकल क्या क्या काम होता है, जैसे कि बिजली का उत्पादन कार्य होता है, ठीक है, बिजली का उत्पादन का कार्य होता है, कुछ स्टोरेज का जो कि उसको संचय का काम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि परिवर्तन का कार्य होता है, ट्रांसमिशन जो कि संचालन का कार्य होता है, जो कि सप्लाई जो कि बंटन का कार्य होता है, उस तरह का जब कार्य होता है तब उस क्षेत्र में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तब उस क्षेत्र में किसको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आंसर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा, कौन करेगा, ऑनरेजन मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या कह रहे देखिए, व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्स इन एन ओपन कास्ट माइन इन व्हिच ए पर्सन डज और इज सीरियस इंजरी देन इन व्हिच फॉर्म एंड व्हिच शेड्यूल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन अबाउट दैट पर्सन। जब आपका ओपन कास्ट माइंस में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, जो कि इलेक्ट्रिकल कार्य की वजह से जो एक्सीडेंट होता है, तो इसमें ये पूछ रहा है जब आपका ओपन कास्ट माइंस में कोई जो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति का डाई यानी डेथ हो जाता है यानी सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है, तब उस क्षेत्र में किस किस को आप मतलब कौन सा फॉर्म में और कौन सा शेड्यूल में आपको नोटिस देना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या कह रहा है देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, फर्स्ट शेड्यूल के तहत फॉर्म IVV एंड IVC में आपको लिख के देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, जब किसी ओपन कास्ट माइंस में जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है यानी सीरियस बॉडी इंजरी भी हो जाता है तब उस क्षेत्र में फॉर्म जो है IVV एंड IVC के तहत फॉर्म फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में आपको देना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ओपन कास्ट माइंस में जो भी जो एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट होने की वजह से किसी व्यक्ति का जब डेथ हो जाता है, यानी सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है, तब उस क्षेत्र में जो नोटिस आपको देना पड़ता है, फॉर्म किस में दे रहे हैं, फॉर्म IVV और IVC में आपने दे रहे हैं, तब उस क्षेत्र में कौन जो फास्ट शेड्यूल के अंतर्गत में आपने देते हैं, तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर बताना होगा, ये कह रहा है। ठीक है, टोटल संपूर्ण विवरणी कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या दिक्कत था, उसका सारे डिटेल्स जो विवरणी अपने प्रदान करेंगे और वो कितने दिन के भीतर आपको देना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी जो होगी 7 डेज के भीतर आपको देना होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, कितना कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चंस, जो भी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजर्ड एज द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल सेंड टू द चीफ इंस्पेक्टर पार्टिकुलर एंड फॉर्म IVV एंड IVC अ फास्ट शेड्यूल विद इन 7 डेज ऑफ द अकरेंस डैश डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्न और टू ड्यूटी। ये क्या बोल रहा है, जब ओपन कास्ट माइंस में किसी व्यक्ति का सीरियस बॉडी इंजरी होता है, सीरियस बॉडी इंजरी क्या होता है, जब उसका बॉडी का कोई भी पार्ट संपूर्ण नष्ट हो जाता है, तब उस क्षेत्र में उसको क्या कहा जाता है, सीरियस बॉडी इंजरी कहा जाता है। इस व्यक्ति जब फिर से ड्यूटी में ज्वाइन करेगा, ठीक है, जब फिर से ड्यूटी आएगा, जो ड्यूटी में ज्वाइन करेगा, तब इस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर उसका सारे डिटेल्स बताना होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 15 डेज होगा। ठीक है, 15 डेज के भीतर आपको बताना होगा, का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ये बी जो है ना टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जो हमारा जो टाइपिंग मास्टर है वह शायद गलती किए हुए हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, सी 15 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, जब जो व्यक्ति का सीरियस बॉडी इंजरी हुआ था, जो फिर वो ड्यूटी में आते हैं, उनका सारे डिटेल्स 15 डेज के भीतर आपको बताना होगा। ठीक है, किस किस को बताना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नोटिस ऑफ डिजीज रेगुलेशन नंबर इन, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में जब आप कार्य करते हैं, कार्य करने का वजह से क्या होता है, काफी सारे डिजीज होता है, तो डिजीज के बारे में वर्णित क्या क्या है और रेगुलेशन नंबर कितने नंबर पे वर्णित की गई, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 10 में वर्णित किया गया है, जो कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, सॉरी नोटिस ऑफ डिजीज, सॉरी नोटिस ऑफ डिजीज, जो कि रेगुलेशन नंबर 10 में वर्णित की गई है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल विद इन डैश डेज ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिजीज। एक क्वेश्चन क्या करें देखिए, समझिए अच्छा से, ओपन कास्ट माइंस में किसी व्यक्ति माइंस में काम कर रहा था, काम करने का समय पे वो उनको मेडिकल जब चेकअप किया जाता है, तब उस क्षेत्र में उसको डिजीज पाया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो है, ये मान लीजिए एक राम नाम के व्यक्ति थे, वो उनको मेडिकल चेकअप करने के बाद क्या हुआ, और उनको डिजीज पाया गया, जो कि नोटिफाइड डिजीज के तहत में वो आते हैं, तब इस क्षेत्र में एक माइंस में जब किसी का नोटिफाइड डिजीज को नोटिफाई कर दिया जाता है, पहचान दिया जाता है, पहचान लिया जाता है, तब उस क्षेत्र में अनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, कितने दिन के भीतर इन्फॉर्म करेंगे, तो आंसर क्या कह रहा है देखिए, आंसर ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, जो कि 3 डेज के भीतर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, वही सेम क्वेश्चन एक पूछ रहा है, जब आपका माइंस में किसी व्यक्ति को जब नोटिफाइड डिजीज पाया जाता है, तब उस क्षेत्र में
आपने जो नोटिस देते हैं वो कौन सा फॉर्म में देंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि डिजीज के बारे में फॉर्म भी में आपको देना होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पूछ रहा है वही सेम क्वेश्चंस, लेकिन अभी इसमें पूछ रहे कौन सा शेड्यूल में दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन, जब कि आपका ओपन कास्ट माइंस में जो व्यक्ति को नोटिफाइड डिजीज पाया गया, किसी एक व्यक्ति को डिजीज हो गया है, तो उसके बारे में आपने ऑनर एजेंट मैनेजर क्या किया, वो 3 डेज के भीतर इन्फॉर्म कर दिए। ठीक है, फॉर्म भी में और फर्स्ट शेड्यूल के तहत वो इन्फॉर्म कर दिए। ये जो इन्फॉर्म किए किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो आंसर क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये सभी को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ये सब के सब सबको ये इन्फॉर्म किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को माइंस में डिजीज हो जाता है, तब उस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को ऑफ माइंस को बताना होगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। और आपका मुझ में कुछ तरह का अगर सवाल भी आता होगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फोन में भी आप बता सकते हैं। और अभी 2 दिन के भीतर हमारा जो ऐप जो हमने बनाया हुआ है, श्रीमान माइंड मास्टर ऐप, आपका प्ले स्टोर में फिर से आपको दिख जाएगा, और आप उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पे आप खरीद सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत एग्जाम टाइम में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।